अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जब मैंने गीता पढ़ी और ये जाना कि परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, तो मुझे बाकी सब चीज़ें निरर्थक लगने लगीं। हर्मन हेसे, जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, उन्होंने भगवद गीता पर यह कहा, भगवद गीता का चमत्कार वास्तव में जीवन के ज्ञान का सुंदर रहस्य उद्घाटन है, जो दर्शन को धर्म में विकसित होने में सक्षम बनाता है। रुडोल्फ स्टाइनर ने कहा था, अगर हम भगवद गीता जैसी उदात्त रचना को पूरी समझ के साथ देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए अपनी आत्मा को इसके साथ जोड़ना आवश्यक है। मार्क ट्वेन ने कहा है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, भारत को सबसे असाधारण देश बनाने के लिए, जहाँ सूर्य अपनी परिक्रमा करता है, मनुष्य या प्रकृति द्वारा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि कुछ भी भुलाया नहीं गया है, कुछ भी अनदेखा नहीं किया गया है। धर्मों की भूमि, मानव जाति का उद्गम स्थल, मानव वाणी की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, किंवदंतियों की दादी, परंपराओं की परदादी, एक ऐसी भूमि जिसे सभी लोग देखने की इच्छा रखते हैं, और एक बार देखने के बाद भी एक झलक से संयुक्त रूप से दुनिया के बाकी सभी शो वह झलक नहीं दे पाएगा। मैक्स म्यूलर ने कहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरंभिक भारतीयों को सच्चे ईश्वर का ज्ञान था। उनके सभी लेखन भावनाओं और अभिव्यक्तियों से भरे हुए हैं, महान, स्पष्ट और गंभीर रूप से भव्य, किसी भी मानवीय भाषा की तरह गहराई से कल्पना और श्रद्धा पूर्वक व्यक्त किए गए हैं, जिसमें पुरुषों ने अपने भगवान के बारे में बात की है। अगर मुझे पूरे विश्व में किसी ऐसे देश का पता लगाना हो, जो प्रकृति द्वारा प्रदान की जा सकने वाली धन संपदा, शक्ति और सुंदरता से भरपूर हो, तो मुझे भारत की ओर इशारा करना चाहिए। यदि मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने कुछ बेहतरीन उपहारों को सबसे अधिक विकसित किया है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे अधिक गहराई से विचार किया और उनमें से कुछ का समाधान ढूंढ लिया है, मुझे भारत की ओर इशारा करना चाहिए। एंडस हट्सले ने भगवद गीता को मानव जाति के लिए मूल्य प्रदान करने के आध्यात्मिक विकास का सबसे व्यवस्थित बयान कहा है। भगवद गीता अब तक सामने आए दर्शन के सबसे स्पष्ट और व्यापक सारांशों में से एक है, इसलिए इसका स्थायी मूल्य है, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने भगवद गीता के बारे में यह कहा, मैं भगवद गीता के लिए एक शानदार दिन का श्रेय देता हूँ। यह ऐसा था जैसे एक साम्राज्य हमसे बात कर रहा था। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, बल्कि बड़ा, शांत, सुसंगत, एक पुरानी बुद्धिमत्ता की आवाज़ जिस पर किसी अन्य युग और जलवायु में विचार किया गया था, और इस प्रकार उन्हीं प्रश्नों का समाधान किया गया था जो हमें परेशान करते हैं। भगवद गीता विचारों का साम्राज्य है, और इसकी दार्शनिक शिक्षाओं में कृष्ण के पास पूर्ण एकेश्वरवादी देवता, मोनोथीस्टिक डीटी के सभी गुण हैं, और साथ ही उपनिषद के गुण भी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वर्नर हीजनबर्ग ने कहा था, क्वांटम थ्योरी उन लोगों को हास्यास्पद नहीं लगेगा जिन्होंने वेदांत पढ़ रखा है।
विल्हेम वोन हम्बल्ट ने कहा था, मैंने पहली बार भारतीय कविता भगवद गीता तब पढ़ी जब मैं अपने देश सिलेसिया में था, और ऐसा करते समय मुझे ईश्वर के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता की भावना महसूस हुई कि मैं इस काम से परिचित हो पाया जीते जी। यह दुनिया में पाई जाने वाली सबसे गहरी और उत्कृष्ट चीज़ होनी चाहिए। हेनरी डेविड थॉरो ने कहा था, सुबह मैं अपनी बुद्धि को भगवद गीता के अद्भुत और ब्रह्मांड संबंधी दर्शन से स्नान कराता हूँ, जिसकी तुलना में हमारी आधुनिक दुनिया और उसका साहित्य छोटा और तुच्छ लगता है। मैं धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के पाठकों से कहूँगा, यदि वे एक अच्छा शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो भगवद गीता अवश्य पढ़ें। यह शास्त्र बेसबॉल प्लेयर्स द्वारा भी श्रद्धा के साथ पढ़ने योग्य है। भगवद गीता के अलावा हमारा शेक्सपियर भी कभी कभी युवा रूप से हरा भरा लगता है। जब भी मैंने वेदों का कोई भाग पढ़ा है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि किसी अलौकिक और अज्ञात प्रकाश ने मुझे प्रकाशित कर दिया है। वेदों की महान शिक्षा में सांप्रदायिकता स्पर्श मात्र भी नहीं है। आर्थर शोपेनहावर ने कहा, उपनिषदों के अध्ययन के बराबर संसार में इतना सुंदर और इतना उन्नत किसी का अध्ययन नहीं है। उपनिषद मेरे जीवन की सांत्वना रही है और मेरी मृत्यु की सांत्वना भी बनेगी।